राम सबको। आज ये देसी विदेश के कौन से हिस्से में आए हैं? हमारी पहली स्नो साथ में देख, ये व्यू देखिए, गरम अदरक वाली चाय। भागो भागो भागो, इसे मिस ना करें। 15 मिनट की क्लाइंबिंग अभी बाकी है। पूरा जाप तो कर रहा है, ठंडू घूम रहा, ठंड का तो कोई मुकाबला ही नहीं। हमारी कोच है आज के लिए, बैठना स्टार्ट कर दिया है। हम भी क्यू में है, सुंदर सी एक कासल भी देखेंगे हम लोग, तो चलिए हमारे साथ। तो हमने ये डे टूर बुक किया है ग्रे लाइन का, हमारे लिए रेड कार्पेट भी बिछ चुका है और हम आज जा रहे हैं डिज्नी कासल। हम लोग लेंडर ऑफ कासल आ गए हैं। आज हम टोटल 3 कासल्स देखने वाले हैं। योगेश तो जब से बस से उतरे तब से बर्फ से ही खेल रहे हैं। योगेश कम ऑन, बहुत ज़्यादा ठंड है देखो बर्फ ही बर्फ है। यहाँ के घर भी कुछ अलग हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताना क्या आपको भी उतना ही मैजिकल लग रहा है जितना हमें लग रहा है। म्यूनिक से बहुत सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले थे ताकि टाइम पर कासल पहुंच सके। 1.5 घंटे की बस राइड, आधे घंटे बाद एकदम व्यूज चेंज हो गए और सब कुछ वाइट, ऐसे लग रहा है कि रुई का चोखा सा दर्रा क्या है एकदम। मन कर रहा रजाई कम्बल ले लें और एक गर्मा गर्म अदरक वाली चाय। एकदम बर्फ के अंदर से होते हुए जा रहे हैं हम कासल की। ये मिस्टर चौधरी तो फोटोज खींचने में रह गए, हमारा पूरा ग्रुप चला गया है। भागो भागो भागो। ये लेंडर ऑफ कासल है बाहर से और अब आपको दिखाएंगे किंग का मॉर्निंग व्यू। इस खूबसूरत व्यू के साथ वो हर सुबह की शुरुआत करते थे। वाव, कासल घूम के बाहर आ गए हम लोग और एक चीज की तो मैं कल्पना भी नहीं कर पा रही हूँ कि ये किसी का घर भी है। व्यू के साथ वो उठ रहे हैं, ये व्यू देखिए, स्नो कवर्ड एल्प्स के साथ। मन तो कर रहा है मैं यहाँ पे स्नोमैन बनाऊं पर उतना वक्त नहीं है क्योंकि हमें अगली कासल में जाना है। और फ्रीजिंग जितनी ठंड है, फ्रीजिंग पॉइंट जितनी ठंड, आप देख सकते हैं बर्फ ही बर्फ है चारों ओर। तो चलिए नेक्स्ट कासल चलते हैं। कासल देख के आ गए हैं, अब जब से निकले हैं घर से निकी की नाक बह रही है तो इसको कुछ गर्म दिलवाते हैं, कॉफी और कुछ खाने के लिए। आइए गरम कॉफी। काफी बर्फ में जमे हम इसे कॉफी के लिए। हमारे आज के दिन का सेकंड स्टॉप आ गया है। इस छोटे से गांव का नाम है ओबर आमर गांव और ये इतना ज़्यादा फेमस क्यों है तो स्टोरी ये थी कि जब विंटर मंथ्स होते थे तो कम से कम 6 या 7 महीने के लिए यहाँ पे फार्मिंग नहीं होती। तो गांव के लोगों ने सोचा कि अब ये विंटर्स के जो 6-7 महीने हैं उसमें हम क्या करें। पहाड़ों पे खूब सारे पेड़ हैं तो वो इन्हीं का यूज़ करके वुड कार्विंग्स करते थे। पूरे वर्ल्ड से लोग उनके वुड कार्विंग्स को देखने आते हैं, उनके छोटे छोटे ट्रिंकेट्स को खरीदने आते हैं। तो चलिए आपको भी कुछ खूबसूरत से स्टोर्स दिखाते हैं। एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो बहुत प्रिटी विलेज। अब चलते हैं फिर से अपने कोच पे जो कि ऑलरेडी आ गई है हमारे पिकअप स्पॉट पे। और ये हम रुक गए अपने 3rd स्टॉप जो कि हमारा फाइनल स्टॉप है। इस कासल के अंदर जाने की टिकट्स ले आए हैं। इस कासल का नाम है न्यू श्वाइस्टाइन कासल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट ब्यूटिफुल स्पॉट होने वाला है हमारा, जो कासल आप वॉल्ट डिज्नी के और लोगों में देखते हैं ना, जो सुंदर सी फेरी टेल कासल। ये देखिए ये वो टाउन है जहाँ हमारी कोच ने हमें ड्रॉप किया है। हम लोग इस टाउन के सबसे खूबसूरत कैफे में आ गए हैं, लंच करने बैठ गए हैं और ये व्यू देखिए, ये आज के लंच प्लेस से व्यू है। आज तक तो ऐसा डिज्नी की मूवीज में ही देखा था जो कि डिज्नी की प्रिंसेस मूवीज होती हैं। निकल गए हम लोग लंच करके और अभी तो हम लोग डिसाइड ही कर रहे हैं
कि हमें 45 मिनट्स की वॉक करनी है या फिर हमें शटल लेनी है। तो बस से भी ऐसा नहीं है कि वो आपको डायरेक्टली न्यूश्वाइस्टाइन कासल के सामने छोड़ देगी, नहीं, एंट्रेंस पॉइंट तक भी आपको 15 मिनट की वॉक है बस जहाँ से छोड़ेगी वहाँ से। तो अभी डिसाइड कर रहे हैं, तब तक थोड़ा सा ये टाउन एक्सप्लोर कर लेते हैं। बहुत ही छोटा सा बट एकदम चमक रहा है क्रिसमस डेकोरेशंस की वजह से। इस टाउन का दूसरा फेमस रेस्टोरेंट है, इतना छोटा टाउन है, दो ही रेस्टोरेंट है, मिलर जिसपे हमने खाया था और ये लुडविग्स स्ट्रूब्रेल। तो काफ़ी क्राउडेड रहते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी। वो दूर वहाँ पहाड़ों के बीच है कासल। और अभी ये शटल बस ले रहे हैं हम लोग, दोनों चुपचाप जाके इसमें बैठेंगे और ये हमें कासल से 15 मिनट दूर ड्रॉप करेंगे। बस से आके भी चढ़ाई बाकी रह गई है। 15 मिनट की क्लाइंबिंग अभी बाकी है। अगर आप व्यू पॉइंट जो यहाँ पे एक ब्रिज है वहाँ से आते हैं, अगर वहाँ जाना चाहते हैं तो बस से उतर के फिर 15 मिनट्स की वॉकिंग। और अपहिल है, सांस भर चुकी है हम दोनों की, क्योंकि मौसम ठंडा है ना, इसलिए नॉट डेट कि हम फिट नहीं है, हम बहुत फिट है। मौसम तो बड़ा ठंडा है, मौसम अनफिट है। तो दिखाते हैं ये व्यू की क्या बला है जिसके लिए इतनी दूर हम चढ़ाई करके आए हैं। योगेश बीइंग टिपिकल योगेश, कोई भी बोर्ड दिख जाए जिसपे 15-20 सेंटेंस इंग्लिश के लिखे होते हैं, योगेश उसको पढ़े बिना नहीं मिलते वहाँ से। योगेश चलो फोटोज क्लिक करनी है, लेट्स गो। चलो प्लीज लेट्स गो। चलो बहुत ज्ञान हो गया, चलो। बट क्या कर सकते हैं, ही इज एन इंफॉर्मेशन पर्सन एंड आई एम अ फोटो पर्सन, सो वी गो वेल टुगेदर। लॉक्स जनता ने यहाँ लगा रखे हैं। नीचे से कासल देख रहे थे हम, ऑलमोस्ट उसके पास आ चुके हैं, यहाँ से 5 मिनट की वॉकिंग की दूरी पर ही है। और नीचे अगर आपको दिख रहा होगा पूरा टाउन यहाँ से दिख रहा है, डिज्नी के रोमांटिक मूवी सेटिंग जैसा। खूब कठिन 15 मिनट की वॉक करके हम उस ब्रिज पे पहुँचे थे, और उससे जब आप वापस कासल की तरफ मुड़ते हैं तो ये खूबसूरत सा व्यू पॉइंट आता है, इसे मिस ना करें। हम फाइनली कासल के एकदम सामने पहुँच चुके हैं। हमने तो आज के मैजिकल दिन को बहुत एंजॉय किया। यस, आज हमने दो शानदार कासल्स देखे और एक बहुत ही प्यारा सा गांव देखा और इनफ स्नो। यस, हमारी पहली स्नो साथ में देखी हमने, बहुत मजा आया। और अगर हमारी इतने मेहनत से बनाई हुई वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो प्लीज इन्हें लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, उसमें हमारी बहुत मदद होती है। और एक प्यारा सा कमेंट भी ड्रॉप करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।